Hello dear students and welcome to English class. So in today's video we are going to solve the exercise related to verbs. So in our video we have studied what are verbs. Verbs क्या होते हैं? जो भी action हम करते हैं वो verbs होते हैं. Whether we sleep, we drink, we run, we walk, we sit, we stand, we write, we cook, we eat. जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, तो ये सारे जो भी काम हम करते हैं, जो भी एक्शन हम करते हैं वो वर्ब्स होते हैं. ओके, सो हम ये समझ चुके हैं. अब नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन पेज नंबर 23 स्टूडेंट्स. ओके, सो यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं, एक है फिल इन द ब्लैंक्स और दूसरे हैं मैचिंग. So let's start doing that. First one, fill in the blanks with a verb. Take help from the box given below. So यहाँ पर box में कुछ options हैं और आपको इनकी help से blanks को fill करना. Okay? So let's start. Take a pencil so that you can write with me, students. We should always dash pure water. So हमें हमेशा साफ पानी क्या करना चाहिए? साफ पानी पीना चाहिए. Okay? So we should always drink pure water. अब drink देखिए क्या है, drink is a verb क्योंकि ये एक action है. okay, we should always drink pure water. so we should always drink pure water. okay, next one, children love to dash fresh bread. तो बच्चों को fresh bread क्या करना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है obviously. So children love to eat fresh bread. Children, C-H-I-L-D-R-E-N, children, L-O-V-E, love to dash fresh bread. बच्चों को fresh bread खानी पसंद है. तो हम क्या लिखेंगे, खाने को हम English में क्या बोलते हैं, eat. okay, next one, Tom dash a tree. Tom ने tree पर क्या किया, he climbs a tree. Tom climbs, C-L-I-M-B-S, Tom climbs a tree. टॉम पेड़ पर चढ़ा. द बैल डैश, बैल क्या करती है, इट रिंग्स, है ना, बैल बजती है. द बैल रिंग्स, आर आई एन जी एस, बैल रिंग्स. दोज चिल्ड्रन डैश इंग्लिश, दोज चिल्ड्रन डैश इंग्लिश, मतलब बच्चे इंग्लिश के साथ क्या कर रहे हैं, दे आर स्पीकिंग. ओके, सो हम क्या लिखेंगे, दोज चिल्ड्रन स्पीक इंग्लिश. स्पीक करना मतलब बोलना. ओके, दोज चिल्ड्रन स्पीक इंग्लिश. नेक्स्ट वन, स्टार्स डैश एट नाइट. स्टार्स, सितारे, तारे, वो रात को क्या करते हैं, चमकते हैं, राइट. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट. ओके, स्टार्स ट्विंकल, टी डब्ल्यू आई एन के एल ई, ट्विंकल्स मतलब चमकना, है ना, तो स्टार्स ट्विंकल एट नाइट. किंग्स डैश इन पैलेसेस, किंग डैश इन पैलेसेस क्या आएगा बताइए आप लोग, इनमें जो ऑप्शन है उसमें से, एल आई वी ई, लिव, किंग लिव इन पैलेसेस, मतलब जो राजा होते हैं वो बड़ी बड़ी जगहों, बड़े बड़े महलों में रुकते हैं ना, वहीं रहते हैं, है ना, तो किंग्स लिव इन पैलेसेस. नेक्स्ट वन, द सन डैश इन द ईस्ट. द सन राइजेज इन द ईस्ट, आप सबको ही पता है ना ये बात कि सूरज ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में छुप जाता है. द सन राइजेज इन द ईस्ट, आर आई एस ई एस, राइजेज इन द ईस्ट. द अर्थ डैश राउंड द सन, जो धरती है हमारी, अर्थ का मतलब धरती, वो सूरज के गोल गोल घूमती है ना. द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन. ओके, द सन डैश इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब सूरज है वो शाम के समय वेस्ट में जाके छुप जाता है, डूब जाता है. ओके, सो दीज आर द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स. नाउ क्वेश्चन थ्री, चूज द राइट वर्ब टू गो विद ईच नाउन सो एज टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. वन इज डन फॉर यू. एक तरफ नाउन्स हैं और एक तरफ वर्ब्स हैं, आपको इनको सही नाउन्स को सही वर्ब्स के साथ मैच करना है. जैसे कि फर्स्ट वाला किया हुआ है, अ नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, क्या करता है वो, काटता है ना, सो हमने क्या लिखा है, अ नाइफ कट्स. नेक्स्ट, द ग्रास,
जो घास है वो क्या करता है, इट ग्रोज, तो आप लिखेंगे द ग्रास ग्रोज, ग्रोज मीन्स बढ़ना, द ग्रास ग्रोज, जी आर ओ डब्ल्यू एस, द ग्रास ग्रोज. नेक्स्ट द सन, द सन, सूरज क्या करता है, इट शाइन्स, यस द सन शाइन्स, एस एच आई एन ई एस, द सन शाइन्स. नेक्स्ट वन द विंड, विंड, अब आंधी क्या करती है, आंधी चलती है बहुत तेज तेज, तो द विंड ब्लोज, द विंड ब्लोज, बी एल ओ डब्ल्यू एस. द रेन डैश, द रेन फॉल्स, बारिश गिरती है ना, द रेन फॉल्स. नेक्स्ट हॉर्सेस गैलॉप, हॉर्सेस गैलॉप, ओके. नेक्स्ट एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स फ्लाई, एंड ships sail, ओके, ships sail, aeroplanes fly, horses gallop, the rain falls, the wind blow, the sun shines, the grass grows, a knife cuts, ओके. सो इस तरह से आपको इस ब्रैकेट में इसके आंसर्स लिखने हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको जस्ट देख देख के उन्हें ज्वाइन करना है, ओके. नाउ द नेक्स्ट वन विच इज गिवन, क्वेश्चन वन, पेज नंबर 22, स्टूडेंट्स. See, draw one line under the verbs and the two lines under the pronoun nouns in the following sentence. यहाँ पर कुछ sentence दिए गए हैं, आपको जो एक single line है वो तो verb के नीचे खींचनी है और जो double line है वो दूसरे nouns या pronouns के नीचे लिखनी है. So, verbs हम सबको पता है, जो भी action हम करते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर भी action word आएगा आपके उस आपको उसके नीचे एक line लगानी है, और अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है तो वहां पर आप टू लाइंस लगाओगे, ओके. द बॉयज फाइट, अब इसमें देखो आप, फाइट मतलब एक्शन है, लड़ाई करना, उसके नीचे वन लाइन है, और कौन फाइट कर रहा है, बॉयज कर रहे हैं, सो बॉयज में डबल लाइन लगा दी जो कि नाउन है. नाउ काउज ईट ग्रास, तो यहां पर वर्ब कौन सा होगा बेटा, यहाँ वर्ब होगा ईट, है ना, तो ईट के नीचे हम सिंगल लाइन लगाएंगे और काउज है ग्रास है इनके नीचे हम डबल लाइन लगाएंगे, ओके, बिकॉज ये दोनों ही नाउन्स हैं. नेक्स्ट चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, तो यहाँ पर वर्ब कौन सा हुआ, प्ले, प्ले वर्ब हुआ, आप प्ले के नीचे सिंगल लाइन लगाओगे, है ना, और यहाँ पर नाउन कौन सा हो गया, चिल्ड्रन एंड पार्क, नाउन कौन सा हो गया, चिल्ड्रन एंड पार्क, उसमें आप एक एक लाइन डबल लाइन लगाओगे, ओके. नेक्स्ट वन अ क्लॉक टेल्स द टाइम, ओके, सो यहाँ पर वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, बोलना, तो टेल्स हो गया आपका वर्ब जिसके नीचे आप एक लाइन लगाएंगे, क्लॉक जो है ये आप इसके नीचे टू लाइंस लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, नाउन है, चीज का नाम है. नेक्स्ट द सन शाइन्स इन द स्काई, सो यहाँ पर वर्ब कौन सा हुआ, शाइन्स वर्ब हुआ और सन और स्काई क्या हुए, ये है आपके नाउन्स, सो हमें इनको अंडरलाइन करना है, डबल अंडरलाइन करना है सन को और स्काई को. नेक्स्ट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, सो यहाँ पर एक्शन क्या है, मूव्स है एक्शन, और ये किसने किया है, मीन्स मूव्स के नीचे आप सिंगल लाइन लगाएंगे, अर्थ, अर्थ और सन के वहाँ आप डबल लाइन लगाएंगे क्योंकि ये नाउन्स हैं. चिल्ड्रेन स्पीक इंग्लिश एट होम, सो यहाँ पर बोलना, स्पीक करना मतलब बोलना, सो बोलना क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, तो स्पीक के नीचे आप सिंगल लाइन लगाएंगे. अब यहाँ नाउन कौन कौन से, स्टूडेंट स्पीक, लर्न, सॉरी स्पीक इंग्लिश और होम, ये तीनों ही नाउन है, तो आप इन तीनों के नीचे डबल लाइन लगाओगे. द पॉटर कैरीज अ लोड, सो पॉटर इज़ ए नाउन, कैरी करना एक एक्शन है, सो कैरी के नीचे आप सिंगल लाइन लगाएंगे, और लोड और पॉटर ये क्या है, ये क्या है, ये नाउन है, यस yes, तो इनके नीचे आप डबल लाइन लगाएंगे. द सॉरी अ हॉर्स रन्स फास्ट, हॉर्स रन्स फास्ट, अब यहाँ एक्शन कहाँ हो रहा है, रन्स में, ओके, रन्स मीन्स भागना, तो रन्स क्या है, ये है वर्ब, और हॉर्स है ये क्या है, ये नाउन है, हॉर्स के नीचे आप डबल लाइन लगाएंगे और रन्स के नीचे सिंगल लाइन. वी ड्रिंक टी आउट ऑफ अ कप, सो
अगेन हियर नाउन इज, इसमें नाउन कौन सा है, टी और कप, ये नाउन है तो इनके नीचे आप डबल लाइन लगाएंगे एंड टी इज अ अगेन नाउन, ओके, और तो इसके नीचे भी आप डबल लाइन लगाएंगे. नेक्स्ट ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब पीना जो कि एक एक्शन है ना, तो ये क्या है, वर्ब, इसके नीचे आप डबल लाइन यूज़ करेंगे. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, सो बर्ड्स इज अ नाउन, नेस्ट इज अ नाउन एंड बिल्ड इज अ एक्शन, ओके, तो एक्ट बिल्ड के नीचे आप डबल लाइन लगाएंगे, बर्ड्स एंड नेस्ट के नीचे आप सिंगल लाइन लगाएंगे. सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको इजिली आप सेंटेंसेस में से वर्ब्स और नाउन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ओके. सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन योर बुक पेज नंबर 22 एंड 23 स्टूडेंट्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी. टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू.